आज पर पहले से मालूम है कि जहाज इस नाव पर बैठे जिससे कि भयंकर बाढ़ या तूफान आवे उससे बच जाए, मृत्यु रूपी तूफान से बच जाए। वे अपनी रूहानी अभ्यास से, आत्मा की अभ्यास से मृत्यु की इस घाटी से गुजर कर महान जो तूफान, महान जाप कर्मों का लेखा जोखा है मृत्यु के टाइम, उस घाटी से सरलता के साथ अंतर में सदगुरु को याद करते हुए दया की भीख मांगते हुए पार हो जाते हैं। मृत्यु में आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती। अभी शरीर में नख से लेकर के चोटी तक रमन फैली हुई है और मृत्यु के टाइम सीमित जाती। एक लोटा पानी ढोल दिया, माटी में जज्ब हो गया, पर ऐसा विज्ञान के जरिए से वो माटी में से पानी खींच लिया गया। अभी आत्मा हमारी शरीर में जज्ब है, अभ्यास के जरिए एकाग्र होकर के जिस जगह से मृत्यु के टाइम में जबरदस्ती मारते कूटते उससे बचने के लिए पहले अभ्यास और गुरु के चरणों में इनकी गोद में जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसको वो मार और वो तकलीफ से बचाव हो जाता। पहले से सिमट गई वो मृत्यु, आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती, परंतु उस रूहानी अभ्यास में वह वापस शरीर में आ जाती। मृत्यु का टाइम तो गई तो गई, फिर शरीर को जला देंगे, गाड़ देंगे, फूंक देंगे, जो भी करें, परंतु जो जीते जी अभ्यास करके उस मंडल में गई, गुरु दरबार में गई, वो वापस उसकी जब इच्छा हुई तब पुनः इस शरीर में वापस आ जाती। और यहाँ पर जैसे दो मंजिला कोई चढ़ गया, सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता दो तीन मंजिले पर गया, वहाँ का आहार विहार सब वहाँ का आनंद करके और नीचे फिर उतर जाए। इसी तरह से अभ्यासी जन जो है मृत्यु के केंद्र से, मृत्यु के केंद्र पर पहुँच कर उसके पार होकर के जब चाहते हैं तो उनकी मौत से फिर शरीर में आ जाते हैं। जब तक इसका इस शरीर में रहने के लिए प्रभु की ऑर्डर है तब तक फिर आकर के अपना अभ्यास और यहाँ संसार के अंदर फिर विचरते हैं, परंतु इस रूहानी अभ्यास में वह वापस शरीर में आ जाती। और अभ्यास में इस अवस्था को प्राप्त करने को संतों ने जीतिज मरण कहा। कहते हैं संतों ने इस अभ्यास के जरिए जो सूरज चढ़ जाती है उसको कहते हैं, इस अवस्था को प्राप्त करने को जीते जी मरना। मर करके घर से निकल गया, वापस आ गया, दरवाजा बंद कर लिया, फिर आ गया, खोल लिया, फिर आ गया, यानी अपना काम अपने प्रभु को देख उसकी तरफ जाने के लिए तैयारी, उससे मिला या जिस स्थान पर, और वापस वो इस शरीर के घर में आ जाता है। इस पद में कबीर साहब कहते हैं, गुरु की कृपा से जो जीते जी, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उसी को कहते हैं जीते जी मरना। और वो कैसे होता है? गुरु की कृपा से, कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूरबला लेख, भाग खुला कबीर का गुरु पाया लेख, कुछ तो करनी और कुछ आगे जन्म का अच्छे कर्म और बड़ी कृपा ऐसा भेजी रास्ता बतलाने वाला। फिर क्या हुआ? तीनों मिल गए, सोना में सुहागा मिल गया तो क्या उसमें चमक आ गई? अभ्यास कबीर साहब कह है कि गुरु की कृपा से जो जीते जी मरने के अभ्यास में सफल हो गया। कहते इस अभ्यास में जो सफल हो गया है गुरु की दया से वो मुक्त हो गया। उसके लिए कर्म और कारण माया अहंकार, उसको उसके लिए कर्म और कारण सब समाप्त हो जाते हैं। माया का हमला, अहंकार आदि मन
अभिमान तथा सब प्रकार के भ्रम उसके चले जाते, दूर हो जाते। ऐसे व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अविनाशी हो जाता है। ऐसा जो जीव है गुरु कृपा से करनी करके मृत्यु के पार चले जाता है, मृत्यु पर विजय पा लेता है। जो कोई मरे मरण है मीठा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीते जी मरने का अवस्था गुरु द्वारा प्रदान किए हुए शब्द से प्राप्त होता है। जो अभ्यासी सहज में मर जाते हैं अर्थात सहज अवस्था में समा जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। उसका व्याख्या करते हैं इस पद में, जो शब्द में बतलाए हैं इस पद में ऊपर के भाव को और स्पर्श करते हुए खुलासा करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि जीते जी मरना कोई सूरत शब्द के अभ्यास करते करते जहाँ पर जाने से मृत्यु हो जाती है, परंतु वह जीते जी शरीर में आत्मा रहते हुए बारंबार वहाँ जाती है और वापिस आती है, इसको उन्होंने मरना बताया। गुरु द्वार पर तीसरे तिल जहाँ गुरु द्वारा है, जहाँ आत्मा बैठी हुई है चरणों के पास, उस गुरु द्वारा सद्गुरु उसको प्रदान करते हैं, शब्द से प्राप्त होती है। शब्द के अभ्यास से वो प्रभु या वो पद प्राप्त हो सकता है। जो अभ्यासी सहज में मर जाते हैं, कहते जो अभ्यास करते करते मर अनि वहाँ पर पहुँच गए अर्थात सहज अवस्था में, सहज जो अवस्था है उसमें समा जाते हैं, ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। जो जन्म मरण का चक्र है, चक्र में पानी जब भौर देता है तो उसमें बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ें नीचे गर्भ हो जाती हैं। इसी तरह से मृत्यु जो है कर्मों के अनुसार बहुत भौर खिलाती है और न जाने क्या क्या किस किस चूड़ियों में ले जाती है। जैसे पानी भौर देता हुआ घुमा घुमा कर नीचे ही ले जा कर बैठा देता है, इसी तरह से कर्म जीव को अनेक चूड़ियों में नचाता है। परंतु जो गुरु की कृपा से और गुरु ने शब्द का मार्ग बताया, करता करता जितना बना करता करता चला अविनाशी जो कभी नाश नहीं होता, उसमें धीरे धीरे समा जाती है। जिसमें घर का मालिक सुख और चैन नहीं पाता, क्योंकि घर वाले आपस में झगड़ते रहते हैं। घर वालों में है 5 लड़के, 5 इंद्रियां और पत्नी मन की वासना। प्रत्येक इंद्रिया अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीव को अलग अलग दिशा में खींचती रहती है। मन की प्रवृत्तियां उसे संसार के पदार्थों और मोह माया की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति 5 इंद्रियों को वश में करके तथा चंचल मन को स्थिर करके शरीर रूपी घर में शांति स्थापित कर लेता है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेता है। ऐसा कोई हो, माता पिता 4 बच्चे हुए पर समझाए बुझाए के सम दृष्टि उनको अपने कहे में रखे तो झगड़ा क्यों करें। इसी तरह से ऐसा ज्ञान गुरु कृपा से मन धीरे धीरे बस करके समझाए बुझा करके मरण जय और जन्म के कष्टों को याद करके और उसकी तरफ चले तो 5 इंद्रियां भी धीरे धीरे कदाच उनको डर, उनको भय, उनको नरक स्वर्ग का दुख, ये उनको बारंबार कह करके बतला के डरा करके अगर मान जावे तो जैसे बच्चे
बड़े शांति से माता पिता की आज्ञा को मान ली, बड़े सुख से वो भी और माता पिता भी बड़े सुख से। तो अगर हमारे शरीर में जो चंचलता आदि काम क्रोध आदि इंद्रियां अपने अपने तरफ खींचती हैं, अगर ये समझ जावे तो जीव को अधोगति से बचना हो जावे। नहीं बिना नाम विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ और बाहर मुखी क्रियाओं का जिक्र करते हुए कबीर साहब कहते हैं, इनसे उस नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती जो मुक्ति प्राप्त करने